हेलो दोस्तों, राम राम जी। मैं हूं आपका अपना दोस्त नमन राजपूत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट है और आपका उस अकाउंट में आपका कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, सो आपको बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ सकती हैं। दोस्तों, आप जब भी बैंक में जाते हैं या जब भी आप बैंक से कोई पैसे को डिपॉजिट करते हैं या आप बैंक से कोई पैसे विड्रॉल करते हैं, सो जिस बंदे का मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड होता है उसके पास एक नोटिफिकेशन के तौर पर एक मैसेज आ जाता है। लेकिन वो मैसेज तभी आना आपके नंबर पे पॉसिबल होता है कि जब आपका आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज आप सीखने वाले हैं कि जिस बंदे का अपने स्टेट बैंक के बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर किस तरह से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेट बैंक में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको सर्च करना है SBI क्विक। जैसे ही दोस्तों आप SBI क्विक करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉलिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है या आपके नेट पे के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एप्लीकेशन आपको कितनी देर में डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख जाएगा डोनेट टू PM केयर फंड में, आप यहाँ पर डोनेशन दीजिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दे सकते हैं। सो यहाँ पर आपको अगर डोनेशन करना है तो आप इसे डोनेशन कर दीजिए, और वरना आप दोस्तों इसे कट कर सकते हैं। आप जैसे ही इस अकाउंट को कट कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। यहाँ को आपको दिख जाएगा कि अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में कुछ भी सर्विसेज चाहिए तो आपको अकाउंट सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही अकाउंट सर्विसेज पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। आप जैसे ही दोस्तों स्क्रॉल डाउन की तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर दिख जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट एंड चेकबुक रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे सो आपको यहाँ पर आपका ये रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर आपसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंड डालना है, और डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। के बाद ये डायरेक्टली हमारे SMS में खुल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही हमारे SMS पे खुल जाएगा तो ये एक डिफ़ॉल्ट मैसेज यहाँ पर खुद ही टाइप कर देगा REG करके, और ये हमारा अकाउंट नंबर भी यहाँ पर खुद ही लिखा गया है। और दोस्तों, इस मोबाइल नंबर को हमें यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। अपने जिस मोबाइल नंबर को हमें रजिस्टर करना है उसी नंबर से हमें यहाँ पर इसे सेंड कर देना है। तो हम दोस्तों इसे सेंड कर देते हैं। जैसे ही हम इसे यहाँ पर सेंड करते हैं तो हमारे ये रिक्वेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चली गई है, और जैसे ही ये मैसेज सेंड हो जाएगा सो दोस्तों हमारे पास स्टेट बैंक की तरफ से एक रिसीव में मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डियर कस्टमर, योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस सर्विस फॉर अकाउंट नंबर XX4, चेंजिंग द अकाउंट नंबर काइंडली डी रजिस्टर्ड फर्स्ट। यानी दोस्तों, हमने जिस मोबाइल नंबर से ये SMS किया था वो नंबर हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर हमें कोई डिफरेंट मोबाइल नंबर यहाँ पर लगाना है तो सबसे पहले हमें अपने इस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डीरजिस्टर करना होगा, और डीरजिस्टर करने के बाद ही हम दोबारा से इस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें अगर ऐसे डीएक्टिवेट करने के लिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आप डीरजिस्टर पर जैसे ही दोस्तों क्लिक कर देंगे तो डीरजिस्टर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको DREG लिखा हुआ दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिख देंगे और यहाँ पर आपको सेंड कर देना है अपने उस मोबाइल नंबर से,
जो आपका रजिस्टर्ड है, तो आपका ये जो मोबाइल नंबर है तो ये मोबाइल नंबर डीरजिस्टर्ड हो जाएगा। दोस्तों जैसे ये डीरजिस्टर हो जाएगा तो आप दोबारा से फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्टर पर क्लिक करें और आपका अपना जो भी मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना है उस मोबाइल से आप SMS सेंड कर दीजिए तो आपका मोबाइल नंबर जेन्युइनली रजिस्टर्ड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद भी अगर आपका कोई किसी रीज़न की वजह से रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है तो आपको अपने नियर बाई ब्रांच में सबमिट, आपको वहाँ पर इंक्वायरी लेनी है कि वो क्या दिक्कत आ रही है, तो वो आपको बता देंगे किस रीज़न की वजह से वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको जब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाए तो यहाँ पर आपको बैलेंस इंक्वायरी पर अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉल नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉल करेंगे तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल कर देनी है तो आपके आपका कॉल खुल के आ जाएगी। आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास जो जैसे ही हमने ये SMS ये मिस कॉल दी तो हमारे मोबाइल नंबर पे हमारा बैलेंस जो है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ चुका है। जो भी हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है वो हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुका है। सो इस सिंपल प्रोसेस को आप फॉलो करके अपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। और दोस्तों रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप उस प्रोसेस को फॉलो करके अपने मोबाइल नंबर को बड़ी आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस भी फॉलो करने के बाद आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होता है तो आपको अपने नियर बाई बैंक में जो वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ पर जो अधिकारी आपको मिलेंगे उनसे आपको बोलना है कि सर हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको बोलेंगे कि आप एक हमें एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए और उस एप्लीकेशन में आपको लिख कर दे देना है कि मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हो पा रहा है तो कृपया आप मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर करने की कृपया करें। सो वो आपका मोबाइल नंबर आपकी ब्रांच से रजिस्टर कर देंगे। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके भी आप अपना बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि जिसके भी मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो वो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद।